कोरोना विषाणु के प्रादुर्भाव से संपूर्ण जग में त्राही माम मच चुका है। ऐसे में भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है। भारतवर्ष का एक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से हम पहुंचे हैं अमरावती। अमरावती सबसे बड़ा गारमेंट जोन माना जाता है। इस महाराष्ट्र के विदर्भ में अगर गारमेंट कहीं से जाता है, संपूर्ण महाराष्ट्र में कहीं से कपड़ा यदि पहुँचता है तो वो है अमरावती। अमरावती आशिया खंड का गारमेंट जोन सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन कोरोना के प्रादुर्भाव से हमारे अमरावती के गारमेंट जोन के ऊपर जो एक मलिनता सी छा गई है, उस मलिनता को आने वाले समय में जब आज हम चौथे चरण में लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ 8 दिनों बाद में हम ये लॉकडाउन खोलने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को इन इकोनॉमी से, हमारी जो आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर हुई है उसमें से हम अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने व्यापारी तबके के कई लोगों को अपने विदर्भ न्यूज़ के ज़रिए अपनी चर्चाएं आप जनता तक पहुंचाने का, आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन्हीं में से एक है पूरन हबलानी, जो कि आराधना शोरूम के संचालक है। साथ ही साथ बिजीलैंड में आराधना शोरूम अपना एक बहुत बड़ा अस्तित्व बनाए हुए है। 1977 से लेकर आज तक गारमेंट जोन में संपूर्ण महाराष्ट्र में अपनी एक अलग सी अमीर सी छाप रखने वाले पूरन हबलानी आज हमारे साथ है। सर नमस्कार। विदर्भ न्यूज़ का एक प्रयास है कि आने वाले जो लॉकडाउन का चौथा चरण हम समाप्ति पर है और 8 दिन बाद में हमारा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में आप व्यापारी लोगों की सूझबूझ देश के साथ में किस कदर खड़ी हो रही है, इसमें से हमने कैसे उभरना चाहिए, इसके लिए हम आपके पास में आज यहाँ पर पधारे हैं, आपके यहाँ पर आए हैं और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इस आर्थिक संकट में से हम बाहर कैसे निकलते, इसके लिए आप जनता को और हमें भी प्रोत्साहित करें। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना ये जो वैश्विक महामारी आई है, ये आज न केवल भारत पे बल्कि संपूर्ण विश्व पे उसने ऐसा समझिए कब्जा करके रखा हुआ है और लोगों को बहुत ही उससे उत्पीड़न भी हुआ है और डर भी लग रहा है। वैसे इतना डरना नहीं चाहिए और अपनी सुरक्षा, पूर्णतः सुरक्षा का पालन करें तो हम कोरोना से जीत जाएंगे। आज पिछले 60 दिनों से हम सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां, सभी प्रकार की गतिविधियां बंद हैं, इनकम सोर्सेस कुछ भी नहीं है और आज हमारे साथ 350 परिवार जुड़े हुए हैं। एक तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मार्च एंड का समय था, व्यापारियों के लिए सबसे कठिन समय ये रहता है, एडवांस इनकम टैक्स भरना, जीएसटी भरना, अपना टीडीएस भरना, यानी सभी सरकारी जितने भी ड्यूज रहते वो हमको मार्च में क्लियर करने पड़ते हैं। 15-17 मार्च में वो सब क्लियर करने के बाद व्यापारियों की जो परिस्थिति हो गई थी, बोलने में कोई हर्जा भी नहीं है कि ठन ठन गोपाल हो गई थी। उन्होंने सब कुछ भर दिए थे और इन सीजन का समय था। हमारा सीजन होली से शुरू हो जाता है, शादी ब्याह हर चीज जो है इस समय शुरू होती है।
अभी सीजन शुरू ही हुआ था कि ये लॉकडाउन आ गया। ये 60 दिन मैं समझता हूँ, वैसे तो पूरे विश्व में, लेकिन संपूर्ण भारत में तो व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बहुत ही त्रासदायक रहे। क्यों कि हम व्यापारी जो हैं, हमारे कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं समझते, वो हमारे परिवार का हिस्सा रहता है। आज 350 परिवारों के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलती है उनको वेतन दो, नहीं दो। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, नो वर्क नो पेमेंट। अरे भाई, अगर उनको पेमेंट नहीं देना है मत दो, लेकिन वो भी आखिर हमारे साथ, हमारे हर सुख दुख में साथ में रहते हैं, उनका भी घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, और कुछ नहीं तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, किराना है, सब्जी पाला है, दूध वगैरह है, इन ज़रूरी चीज़ों के लिए तो कुछ ना कुछ उनको देना ही पड़ेगा। जो हम पिछले 60 दिनों से बरोबर जैसा रहता है वैसा मिल बांट के हम उनके साथ चल रहे हैं, ये हम उनको पगार करके समझ के नहीं दे रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, हमें इतने दिनों से हमारी तरक्की में उनका भी संपूर्ण सहयोग रहा है, तो उनके परिवार को भी देखना हमारा कर्तव्य है। अब पिछले 60 दिनों से ऐसा समझिए बैठे बैठे सबने खाया है, अब सबको वो भी लाले पड़ गए। बैंकों की, व्यापारी की परिस्थिति ऐसी रहती है, हर व्यापारी की जेब में अगर 1 रुपया है तो वो काम 4 रुपए का करता है, बाकी बैंकें और ये सब लोग उस समय तो देने के लिए बैठे हैं। आज उनकी EMI है, कई लोगों को दुकानों के भाड़े हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, वो सब चालू ही है। आज हमने 60 दिन से शटर नहीं खोला, लेकिन एवरेज करके गवर्नमेंट बिल दे रही है, ये कहाँ तक उचित है? जहाँ हमने एक बल्ब ही नहीं जलाया, पहले हम वहाँ 12-12 घंटे अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ करते थे, हम वहाँ से कमाते थे, व्यापार करते थे और उतना बिल भी देते थे। अब हमारा व्यापार बंद है, हर चीज़ बंद है, एक यानी फैन नहीं चला है, एक बत्ती नहीं लगी है, तो हमने उसका बिल क्या देना? गवर्नमेंट एवरेज बिल भेज रही है और ये उचित तो नहीं है। अब 8-10 दिनों के बाद हमें अपनी दुकानें खोलनी है। ये दुकानें खोलने के लिए, दुकानों की शुरुआत करने के लिए भी हमारे जैसे व्यापारी को तो लाखों रुपए चाहिए सिर्फ शुरुआत करने के लिए। दुकानों को सैनिटाइज करना है, कर्मचारियों की सुरक्षा देखना है, आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा देखना है, सैनिटाइजेशन मशीन लगानी है, और भी जो इक्विपमेंट आ रहे हैं खुद को सुरक्षित करने के, वो सब लाने हैं। तो यानि दुकानदारी शुरू करने से पहले इतना सब हमें करना पड़ेगा। मेरी तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चरणबद्ध तरीके से व्यापारियों को व्यापार करने दिया जाए, उनको व्यापार करने की अनुमति देवें और धीरे धीरे मार्केट खोलना शुरू करें। कितने दिन कोई भी आदमी बैठ के खा सकेगा? और सभी बुद्धिजीवियों का कहना है कि अब तो कुछ समय के लिए
हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही से बेपरवाह होके घूमते रहें और एकदम बिंदास्त हो जाए, इसके साथ तो जीना ही है। इसके साथ जीना है कहने का मतलब ये है कि अब अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हुए, पूरे प्रिकॉशन लेते हुए जीना है। मैं तो ये कहूंगा कि 2020 से मैं जिस आदमी ने अपने पूरे परिवार सदस्यों को 2021 तक सुरक्षित लेकर गया, समझिए उसने दुनिया भर की कमाई कर लिया। जीवन भर की कमाई उसने इस एक साल में कर लिया। अब जैसा प्रशासन गाइडलाइन देवे हमें, हम हमारी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करेंगे और विश्वास भी दिलाते हैं कि पूर्णतः प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए व्यापारिक गतिविधियां चलाएंगे। क्योंकि जब तक व्यापार चलेगा नहीं, रोलिंग चलेगी नहीं, तब तक तो अर्थव्यवस्था जगह पर आनी नहीं है। आज 40 दिन बंद थे, 3 लॉकडाउन हुए, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमको पगार देने के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने दारू शुरू कर दिया कि उसकी जो इनकम होएगी। अब यही चीज हमारे पे भी लागू होती है कि हम भी जो पिछले 60 दिनों से घर पे बैठ के खा रहे हैं, तो हमारा भी व्यवसाय शुरू होना चाहिए। एक न एक दिन तो इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यापार शुरू करना ही पड़ेगा, तो योजनाबद्ध तरीके से अभी करना चाहिए। ये व्यापार शुरू करने के बाद देखिए लोटे साहब, आप मुझे इतने सालों से पहचानते हैं और अमरावती कर भी पहचानते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव बातें ही करता हूं। निगेटिव बातें मेरे माइंड में आती ही नहीं, पर इस समय जो सिचुएशन सामने दिख रही है, जो सिचुएशन हम महसूस कर रहे हैं व्यापार की, अर्थव्यवस्था की, वो बहुत ही चिंताजनक है। क्यों कि कैश नगद पूरे मार्केट से गायब हो चुका है, खर्चा हो चुका है। आगे हमें हमारे कल कारखाने व्यापार शुरू करने के लिए जो इतने सारे बेचारे मजदूर आज अपने प्रदेश में वापस चले गए हैं, उनको वापस बुलाना पड़ेगा, तभी हमारा व्यवहार चल पाएगा। और उन गतिविधियों को चलाने के लिए हमें भी अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ने उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट की योजनाएं तो बहुत आ रही है कि हम MSME वालों को ऐसा करेंगे, ये सहयोग देंगे, वो सहयोग देंगे। अब ये योजनाएं कहाँ तक क्रियान्वित तो होती हैं, ये आगे का प्रश्न है। अब जो है आगे अपने को पूरी तरह इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्यों कि इस महामारी की वजह से बहुत आर्थिक संकट आने वाला है, कई लोगों की नौकरियां तक के जाने वाली है, कई छोटे छोटे व्यापारी बेचारे जो अपनी पूरी पूंजी 60 दिनों में बैठ के खा गए हैं, वो आगे कैसा करेंगे, ये सोच के ही बहुत सिरहन होती है।
और इन सब से निपटने के लिए, अब व्यापार चलाने के लिए तो सबसे पहले ऐसा है कि मेहनत थोड़ी कड़ी करनी पड़ेगी। अपने काम के जो अवर्स हैं, तास हैं, वो बढ़ाने पड़ेंगे और कर्मचारियों को भी हमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ये आर्थिक तंगी है और सब लोगों पर, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कई व्यापारी बेचारे पीछे आ जाएंगे, कईयों की नौकरियां जाएंगी, कई उतने खर्चे, अब इससे जैसा मैंने बोला निपटने के लिए काम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे और अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। जो खर्चों पर नियंत्रण करेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। अब खर्चों में नियंत्रण के लिए है क्या, वैसा साल दो साल तो फिराइले जायसास नहीं, बिजनेस टूर है अलग बात है, लेकिन घूमने और शौक के लिए अगर जाना है तो भूल जाइए। ये सोचिए कि 2020 दुनिया में आया ही नहीं, 2020 जो होता है, 2020 मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत फास्ट खेलनी पड़ती है, लेकिन हमारे लिए जो ये पूरी विश्व के लिए 2020 आया है तो उसको समझना चाहिए। 20-20 जीरो, तो इस जीरो की शुरुआत जो हम अभी करेंगे तो जीरो भले ही हम आर्थिक रूप से हुए हैं लेकिन अनुभव से, मानसिकता से हम ऊंचे स्ट्रांग है पहले से। अभी हमारे अनुभव काम आएंगे तो सबसे पहले तो अपने को अपने खर्चों पे जैसा कंट्रोल करना चाहिए, उसमें एक ये है घूमने फिरने नहीं जाना पड़े, अवॉइड करें जितना हो सके बाहर का खाना बंद करें क्योंकि सब चीजें हैं, एक तो वो हाइजेनिक फूड नहीं होता, जंक फूड जो है वो हाइजेनिक नहीं होता, और दूसरा घर में जो चीज हम 100 रुपए में बना सकते हैं बाहर उसके 500 रुपए पेड करने पड़ते हैं। आप बाहर खाना जहाँ खाने जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे, पेट्रोल का खर्चा करेंगे, महंगा खाना खाएंगे, महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके बाद उठते उठते कुछ टिप भी देंगे, तो ये सब जब आप छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप जब इन खर्चों पे ध्यान देंगे और बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था को अपन कुछ पटरी पे ला सकते हैं। शौक जो है वो हो सके तो बंद कर देना चाहिए, नहीं तो भी कम कर देना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उन्हीं की पूर्ति करनी चाहिए। फिलहाल में एक चीज और, ये सबसे अहम सवाल हमारे सामने है कि अब हम जब चौथे चरण कुछ 8 दिनों बाद खत्म होने जाएगा हमारा चौथा चरण, तो जाहिर है कि आने वाले 1 जून से हमारा मार्केट पूर्णतः खुल जाएगा, पूर्ण रूप से सभी आवागमन आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। ऐसी पोजीशन में जब आप अपना इस गारमेंट जोन का, आज मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि अमरावती का जो गारमेंट जोन है, अमरावती का जो कपड़ा मार्केट है, अमरावती से जहाँ जहाँ तक कपड़ा जाता है, तो हमारे अमरावती का व्यवहार कितना रहा है अभी तक के, और इसका विदर्भ को, महाराष्ट्र को बेनिफिट कितना रहा होगा कुल मिला के? अमरावती के गारमेंट्स जो है वो ऐसा समझिए पूरे महाराष्ट्र क्या MP कर्नाटक गोवा तक के जाते हैं, काफ़ी दूर तक यहाँ के गारमेंट्स प्रचलित हैं, स्पेशली बच्चों के कपड़े जो यहाँ तैयार होते हैं।
सबके पास माल पड़ा हुआ था, सबने पूरी सीजन की तैयारी करके रखी हुई थी, ईद की तैयारी करके रखी हुई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को सीजन से 3 महीना आगे चलना पड़ता है। वो पूरा का पूरा माल धरा हुआ पड़ा रह जाएगा और पिछले यानी आने वाले 4-6 महीने में तो उसकी कोई डिमांड नहीं निकलने वाली है। अब ये सब डिमांड निकलेगी दशहरा दिवाली पे, दुर्गोत्सव है, गणपति उत्सव है, दशहरा है, उस समय डिमांड निकलेगी। तो उस समय ये फैशन कितना चल पाता है और कितना ओल्ड होता है ये समय पर निर्भर है। इससे अमरावती गारमेंट जोन को तो करोड़ों रुपए का फटका लग चुका है। हर व्यापारी इसमें तैयार है कि मेरा माल अगर आधी कीमत में भी जाता तो मैं माल बेच के और नवा माल नवे हिसाब से नवी पैटर्न का बनाऊंगा। तो ये अंदाज तो है, मार्केट खुलने के बाद ये परिस्थितियां कितनी जल्दी फेवरेबल होती है उस पर निर्भर करता है। अब कई लोग जो है व्यापारी तबके के जो लोग हैं, कई लोग छोटे व्यापारी भी हैं, गारमेंट में ऐसा ही नहीं है कि सब बड़े व्यापारी व्यापार करते हैं, लेकिन जिन छोटे लोगों ने किसी बैंक से किसी की सहायता से कहीं से उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई बैंक से कुछ लाखों का लोन उठाया होगा, पिछले लोन उठाने के बाद में पिछले 2 महीने की महामारी उसमें वो अपनी किस्त दे नहीं पाया होगा, ऐसी पोजीशन में इन सब लोगों ने उभरने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? जैसा बताया, जबकि रिजर्व बैंक का ये भी कहना है कि भाई हम रियायत तो दे सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। ठीक है, वो रियायत दे रहे हैं लेकिन वो रियायत भी बहुत भारी पड़ रही है। आप ये 3 महीने का अगर किस्त नहीं भर रहे हो तो इन किस्तों पर भी ब्याज चालू हो जाएगा और वो आपको आखिरी में देनी ही है, और वो भी विथ फुल इंटरेस्ट देनी है। अब जैसा अपन ने कहा कि अपना जो है छोटे छोटे व्यापारियों का जो पैसा खत्म हो चुका है, इसमें बैठ के जो उन्होंने खाया है उसकी पूर्ति करने के लिए इन्होंने अभी जैसे लघु और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए जो वो ऐसा समझिए रीलोन देने की सरकार ने घोषणा की है, यानी जो आपके ऊपर लोन है उसको कुछ हद तक टॉप अप करेंगे। पहले आपके ऊपर अगर 25 लाख का लोन है तो आपको ये पूरा बिजनेस फिर से स्टार्ट करने के लिए वो उसमें 5 लाख और देंगे, जिसका के 12 महीने तक वो कोई ब्याज या रीपेमेंट नहीं लेंगे, लेकिन 12 महीनों के बाद आपको ये ब्याज सहित अगले 3 साल तक के ब्याज और किस्तें दोनों ही चुकाने हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर ये योजनाएं भी 100% सही नमूने से लागू हो जाएं तो व्यापारियों का आत्मविश्वास इतना ऊंचा है कि वापस इसी में से कमा करके हम पूरा लोन भी चुकाएंगे, उसका ब्याज भी चुकाएंगे। शुरू से ही व्यापारी जो है वो सहयोग चाहता है, हाथ फैलाना नहीं जानता। तो ये सहयोग भी जो सरकार कर रही है, रिजर्व बैंक ने भी जो आज बोला है कि हम आपको सहयोग कर सकते हैं लेकिन माफ नहीं कर सकते, तो ये सहयोग भी करें लेकिन वो पूर्ण रूप से करें, और उसका यानी वन विंडो पालन होवे। अभी भी
कुछ लोगों का कहना है कि हम बैंकों में गए हैं और बैंकों ने दिया है कि हमारे पास जीआर आया नहीं है, तो जल्द से जल्द बैंकों को जीआर भेजा जाए, उसको क्रियान्वित किया जाए, तो उन व्यापारियों को अगर टॉपअप मिलता है, अपने लोन पे थोड़ा बहुत लोन और मिलता है, तो ये पैसा जो मार्केट में आएगा, इसकी जो रोलिंग शुरू होगी, तो उससे भी कुछ अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट जितना कर रही है वो ईमानदारी पूर्वक अगर सभी तक पहुंचे और सभी लोग इस महामारी को देखते हुए ये समझें कि ये हमारा फर्ज है और हमको इसको निभाना है, तो अर्थव्यवस्था पर बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है। एक विशेष बात ये भी है कि खास करके हबलानी जी ने जो बताई एक बात कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, सहयोग चाहता है, और अगर प्रशासन से उसे सहयोग मिलता है तो ऐसी पोजीशन में भी वो व्यापारी फिर से उठने के लिए अपना आत्मनिर्भर तैयार होकर खड़ा है कि अगर उसे थोड़ा बहुत सहयोग ऐसी कंडीशन में मिलता है, चाहे वो रिजर्व बैंक से या हो या कहीं से हो, या उसे कुछ रियायत मिलती है, तो वो फिर से अपने देश के लिए काम कर सकता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अब एक चीज़ मैं फिर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी बोलते बोलते मुझे बताया था कि पिछले 2 महीने से हम शटर लॉकडाउन है, हमारे शटर्स रखा गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लॉकडाउन में हमारी जब बिजली कुछ जली ही नहीं है, हमने जब वाटर सप्लाई का पानी लिया ही नहीं है, तो हमको इसका रेंट भी जो कुछ मासिक भाड़ा होता है वो भी देने का ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा होता है, क्योंकि हमने उसका यूज़ ही नहीं किया है, तो उसका भाड़ा हम कैसे दे सकते हैं? पहले ही हमें ऊपर से जो मार पड़ी है वही काफ़ी है। ऐसे में अगर हम आज करीब करीब बिजी लैंड से लेकर, सिटी लैंड से लेकर, ड्रीम्स लैंड से लेकर और अमरावती के पूरे मार्केट की अगर बात करें, गारमेंट जोन की अगर बात करें, तो उसमें कम से कम 5 से 7 हज़ार शॉप्स छोटे से बड़े ऐसे हैं जो अमरावती शहर में जितने भी लोग हैं, अगर आराधना के पास में 350 घर चलते अकेले आराधना के ऊपर, तो आप सोचिए, आम जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारे गारमेंट जोन के ऊपर आधी अमरावती का भविष्य उसके ऊपर निर्भर रहता है। ऐसी पोजीशन में कुछ अपने लिए प्रशासन ने भी करना चाहिए। अब एक सवाल मेरा यह है, प्रशासन से मैंने अभी भी कहा कि यही निवेदन है कि जैसा वो बोलती है कि किराएदारों से किराया मत लो, सरकार ने बीच में अनाउंसमेंट किया था कि सभी मकान मालिकों को, और ये कर ना मकान मालिक किराएदार को उठाए ना किराया लेवे, तो जो चीज़ हमें कहने को बोला जा रहा है, थोड़ा उसको प्रशासन भी खुद के ऊपर लागू करे। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि जब हमने लाइट जलाई नहीं, पानी वापरा नहीं, बाकी चीज़ें भी किया नहीं, तो हर चीज़ का भले ही एवरेज बिल आप मांग रहे हो, कॉरपोरेशन का टैक्स है, तो इन सब चीज़ों को भी ऐसा समझिए 6 महीने तक के छूट दे देनी चाहिए, तो ही व्यापारी संभल पाएगा। कल को जब हमारी दुकानदारी शुरू हो जाएगी और सब जाहिर है कि अब हमें कोरोना के साथ में जीना ही पड़ेगा, कोरोना के साथ में जीना यानी खुद को सुरक्षित रखते हुए हमको व्यवसाय करना है, हमको हमारा व्यापार करना है, उसके लिए आपका पहले से जो खर्चा दुकानों में होता था वो भी, वो खर्चे में भी बढ़ोतरी आने वाली है। हर चीज़ को सैनिटाइज करना, फिर से लगे हुए हाथों की पन्नी या पॉलीथीन निकालना, फिर से उसको सलीके से सजा के रखना, फिर आए दिन उसको सैनिटाइज करते रहना, हर 8 दिन में 4 दिन में 2 दिन में जैसे रोज, तो ये उसके साथ में आपके खर्चे में बढ़ोतरी होने वाली है। और कपड़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हाथ लगाए बगैर कोई खरीदता नहीं है,
कि आज हम भले ही किराना शॉप के सामने देखेंगे या मेडिकल लाइन में देखेंगे तो एक बड़ी रस्सी बांध के है, वहाँ से वो चिट्ठी यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ से वो चिट्ठी का जो मटेरियल है वो वहाँ तक पहुँच रहा है, उसके साथ में बिल जा रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन कि वो बोले आपको कि वो फलानी साड़ी दे दो और उसका ये बिल आप दे दो, ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। ऐसी पोजिशन के लिए आपने क्या सोच के रखा है? नहीं, इन चीज़ों के लिए भी जो हमारी देशव्यापी संस्था है गारमेंट जोन की, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिनका पालन व्यापारियों को और ग्राहकों को करना पड़ेगा। हमको भी हमारी सेफ्टी चाहिए और ग्राहक को भी उतनी ही सेफ्टी चाहिए खुद की। तो उसमें जैसा है कि कपड़े ट्रायल नहीं कराए जाएंगे, ट्रायल टोटली बंदिश, और नो रेट, नो चेंज, नो रिटर्न। ग्राहक ने यह सोचना चाहिए अगर मैं आज चेंज करने जा रहा हूं और मैं दुकानदार को इस चीज के लिए मजबूर करूंगा तो दुकानदार हो सकता है किसी दूसरे का उतरा हुआ भी मुझे देगा। तो कौन सा पर्सन कोरोना पॉजिटिव है ये ना तो मुझे पता है ना ग्राहक को पता है। तो ग्राहकों ने भी ये प्रण करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमें ट्रायल नहीं लेनी है 6 महीने के लिए। ये भूल जाएं कि ये कपड़ा कैसा है और हाथ लगा कर देखें 6 महीने के लिए, जब तक जो है इसका वैक्सीन नहीं निकल जाती, इसका जो है थोड़ा डर कम हो जावे, इसका जो फैलाव है वो कम हो जाए, तब तक नो ट्रायल, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न। जितना हो सके अपनी साइज अपने को मालूम रहती है, जाके सीधा देख लेना भैया 40 साइज में बताइए, 42 में बताइए, उन साइज में अपन ने वो हिसाब से देख करके उसी में से चॉइस करके लेना चाहिए। ऐसा ग्राहकों ने भी सहयोग करना चाहिए, ये उनके लिए भी ऐसा समझिए स्वास्थ्यजनक है। तो माने आने वाला जो समय रहेगा वो सबके लिए ऐसा ही रहने वाला है कि अपने को, हर एक इंसान को व्यवसाय के साथ में, व्यापार के साथ में खुद की सुरक्षितता का ख्याल भी रखना चाहिए पूर्णतः, और हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था फिर से सक्षम करने के लिए हमें अपनी तरफ से भी, यानी हम व्यापारियों के ऊपर कोई चीज़ को थोप नहीं सकेंगे कि हमको वो दिखाना ही पड़ेगा आपको, या अगर मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की तो मैं ना लूँ तो भी एक बार का चल सकता है, लेकिन एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को प्रादुर्भाव ना हो इसके लिए कुछ रियायतें, आपने जैसे बताया कि आपके अनेक संस्थाएं जो देशव्यापी लेवल पे वर्क करती है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस आपके गारमेंट जोन के लिए भी बनाए हैं। ये है, मेरे पास है उसमें। बहुत अच्छी बात है कि अगर हमको ये चीज ऐसी है कि भाई ये मेरी साइज है, वो मुझे परफेक्ट लग रहा है, आप मुझे दे दीजिए, अगर मेरे लिए वो ज़रूरी रहता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी अगर होता है तो मैंने उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। उसका एक उपाय है, आप एक नंबर बड़ा ले लीजिए। क्यों? कि बड़े को छोटा करते आता, छोटे को बड़ा नहीं करते आएगा। ये शर्ट टाइट रहे आप नहीं पहन पाओगे, लेकिन थोड़ी लूज रहे तो भी आप पहन लोगे। 6 महीना आपको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, अदरवाइज चलो आपको उसमें नहीं है, थोड़ी सी टेलर से सिलाई लगवा लीजिए। उतना एडजस्टमेंट और उतना ऐसा समझे प्रिकॉशन है, ये ग्राहक का भी जो है खुद के साथ प्रिकॉशन है, वो उसे लेना चाहिए ऐसा समझिए, हमारी उनसे निवेदन ही है ये, और वो हर तरफ लागू होगा, वो सभी के लिए जो है ऐसा समझिए कंपलसरी है, उसके बगैर हम लोग, हम क्या ग्राहक लोग भी और पूरी दुनिया जी नहीं पाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा उससे। आने वाले 1 जून से करीब करीब आपका गारमेंट जोन भी फिर से अपने वास्तविक रूप में उभर जाएगा। आने वाला समय हमारे लिए थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन आपने जो अभी मुझे एक सबसे बड़ी बात बताई कि व्यापारी सहयोग चाहता है, वो हाथ किसी के सामने फैला नहीं सकता, ये एक बहुत अच्छी बात हमारे व्यापारी वर्ग में देखने को हमें मिलती है कि वो सिर्फ आपसे भी, ग्राहक से भी सहयोग चाहता है, साथ ही साथ प्रशासन से भी सहयोग ही चाहता है, वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। ये सब चीज़ों को लेकर हम फिर से करीब करीब 1 जून से शायद हम आप अपने
आराधना को भी फिर से 2 महीने बाद, लॉकडाउन के बाद 2.5 महीने के बाद में करीब करीब फिर जनता की सेवा में समर्पित करने वाले हो। मेरे ख्याल से आपके भी, आपने भी जितने धूपकाले देखे हैं, ये एक ऐसा पीरियड आपके लिए रहा है कि शायद किसी के जीवन में ये दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। हम क्या, हमारे जो बुजुर्ग भी हैं, हमारी माता जी है जो 85 ईयर्स की है, उन्होंने भी कभी इतना लंबा समय लोगों को घर पे बैठे हुए नहीं देखा है। और जैसा मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि व्यापारी कभी हिम्मत नहीं हारता, वो आगे ही बढ़ने की सोचता है। और आज का जो समय है उसके लिए मैं ये चाहूंगा, बोलूंगा कि परिवर्तन कठिन जरूर है लेकिन परिवर्तन जरूरी है। तो इस जरूरी चीज को मैं निभाते हुए एक चीज आपके सामने अभी रख रहा हूं कि जैसा लोगों ने भी खर्चों की बचत करनी चाहिए, मैंने आपको बोला था बाहर ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इन सब चीजों को देखते हुए मैं आराधना की ओर से ऑनलाइन सेलिंग की योजना बनाई है। फिलहाल ये योजना जो है अमरावती तक सीमित, क्योंकि बाहर के ट्रांसपोर्टेशन अभी बंद हैं। जैसे जैसे वो खुलते जाएंगे तो घर बैठे आप जो है वही आराधना के वस्त्र पहले से भी कम कीमतों पर पाएंगे और घर बैठे आपको पसंद भी घर बैठे करवाऊंगा और डिलीवरी भी घर बैठे दिलाऊंगा और 100% सेनेटराइज और सुरक्षित तरीके से। पार्सल भी सेनेटराइज होगा, जो आदमी लाएगा वो भी 100% सुरक्षित तरीके से लाएगा और वहां आपको डिलीवरी देते टाइम भी उसको सैनिटाइज किया जाएगा। और क्योंकि मेरे को सर्विस की बचत हो रही है, दुकान का लाइट का बिल कम होएगा, सेल्समैन के खर्चे कम होएंगे, तो वो मैं फायदा ग्राहक को दूंगा, उतना कम रेट पे उसको दूंगा। इससे ग्राहक को कम रेट में भी मिलेगा और जो उसका एग्जर्शन और बाकी खर्चे हैं आने जाने के वो भी बच जाएंगे। और ये सुविधा मैं बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक 1977 से लेकर आज तक के लॉकडाउन के 2020 तक के और आने वाले समय भी उन्होंने जो एक चीज़ अपने दिमाग से उपज से निकाली है कि आराधना अपने असंख्य ग्राहकों के लिए फिलहाल में सिर्फ अमरावती तक सीमित रखते हुए घर पहुंच डिलीवरी देने वाला है, जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग हम कहेंगे। आपको घर बैठे ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, घर बैठे ही आपको फुल सैनिटराइज होके आपके जो भी वस्त्र होंगे, जो भी कपड़े होंगे, जो भी गारमेंट होंगे, वो सैनिटराइज होके आपको मिलने वाले हैं जी। तीसरी बात यह है कि वापस उसको जहाँ पर आपको डिलीवरी करना है ऐसी जगह पर वो फिर से सैनिटराइज किया जाएगा और आपका ऑनलाइन पेमेंट भी, वो उसकी व्यवस्था भी आराधना की तरफ से की जा रही है। ये सबसे अहम बात, एक चीज हमें अमरावती में देखने को मिल रही है, नो डिलीवरी चार्जेस। और नो डिलीवरी चार्जेस के साथ होंगे कि किस तरह से आराधना अपने जो असंख्य ग्राहक है उन तक उन्होंने जो योजना बनाई है, मैं आपकी योजना को सलाम इसलिए करना चाहता हूं कि आप जैसा एक सच्चा व्यापारी, सच्चा देशभक्त जो अपने जो घर बैठे सेवा देना चाहता है इसके बावजूद, और आप में उभरने की जो आपने अभी बताया कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जिन्होंने लोन लिया है, उन लोगों के लिए शासन ने, प्रशासन ने, रिजर्व बैंक ने कुछ फैसले करने चाहिए और उसको फैसले करने से काम नहीं बनना, उसको क्रियान्वित करना चाहिए और वो भी जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि फिर से हमारा व्यापारी उठ के खड़ा हो सके। हमारे अमरावती का गारमेंट जोन हो सकता है आपकी योजना के साथ साथ आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार संपूर्ण देश में अपनी ऑनलाइन डिलीवरी शायद
शुरू करे, ऐसी बिल्कुल शुरू करेगा, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जो बात आज जनता के सामने रखी है उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये थे आराधना अत्याधुनिक वस्त्रों का महाखजाना के संचालक पूरन हबलानी। पिछले 1977 से लेकर आज 2020 तक अपनी साख संपूर्ण महाराष्ट्र में जमाए हुए कपड़ा व्यवसाय में अविरत कार्यरत चल रहे हैं। हम ऐसे कई व्यापारी अमरावती के ही नहीं संपूर्ण विदर्भ से आपको परिचित करवाना चाहते हैं। उनकी सूझबूझ कहाँ तक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि उन्होंने अपने दिमाग से, वो कहीं घबराए नहीं है, कहीं झुके नहीं है, वो सिर्फ सहयोग चाहते हैं। अपने दिमाग से उन्होंने नया ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड जनता के सामने लाया है। और कई लोगों से हम आपकी ऐसी पहचान करवाने वाले, मुलाकात करवाने वाले, उनके निर्देश कैसे रहेंगे। आज इन्होंने जो सबसे बड़ी बात जनता के लिए दी है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर आगे एक और व्यापारी की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।